वाइस में हूँ आपके साथ रूपन शर्मा। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। एडीजे कोर्ट की स्थायी बेंच बेगू में लगने से विधायक का आभार व्यक्त किया गया। आपको बता दें क्षेत्रीय विधायक राजेंद्र सिंह विधूड़ी की अनुशंसा पर एडीजे कोर्ट की स्थायी बेंच बेगू में लगने पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा विधायक राजेंद्र सिंह विधूड़ी का आभार व्यक्त कर नगर के पुराने बस स्टैंड पर आतिशबाजी की गई। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र पुरोहित, विधानसभा अध्यक्ष दिनेश मेवाड़ा, नगर अध्यक्ष ललित बैरागी, नगर पालिका उपाध्यक्ष प्रिंस बाबेल सहित कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मौके पर उपस्थित रहे। आसिन पंचायत समिति में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर पंचायत स्तर पर 60 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों को कोविड वैक्सीन का टीका लगाया गया। वहीं ब्लॉक CMHO डॉक्टर प्रीतम गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार पंचायत स्तर पर 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को कोविड वैक्सीन के टीके लगाए जा रहे हैं। टीकाकरण का कार्य झालरिया पंचायत व कटार पंचायत के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हुआ। दोनों पंचायतों में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा गया। राजसमंद के भीम क्षेत्र में उपखंड मुख्यालय पर गहलोत सरकार की विफलताओं पर भाजपा पार्टी के लोगों ने हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत धरना प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक हरि सिंह रावत के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा कार्यालय से जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भीम उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां पर पूर्व विधायक हरि सिंह रावत ने सभा को संबोधित कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन प्रेषित किया। इस दौरान सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। महंगाई की बात करूं, आज डीजल पेट्रोल इतना बढ़ गया है कि आज आम जनता दुखी हो गई है। आज अगर ये सरकार अगर सेस घटाए तो मैं समझता हूं कि आज हमारा डीजल पेट्रोल 70-75 रुपए वापस हो सकता है, लेकिन ये चाहती नहीं है। दूसरी बात, किसानों के साथ में कर्जा माफी की बात की थी हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने, पंजाब हरियाणा कर्जा माफ किया। इन्होंने वादा किया था, इनके जो पप्पू भाई आए थे, इन्होंने राजस्थान में आते ही बोला कि अगर हमारी सरकार आई तो हम लोग 2 लाख तक कर्जा माफ करेंगे। एक फूटी गोली कर्जा माफ नहीं किया। दूसरा, आज ये पुलिस प्रशासन, आज पुलिस में तो लोग किस लिए जाते हैं कि साहब हमें वहाँ न्याय मिलेगा, वहाँ न्याय नहीं मिलता, सुरक्षा नहीं मिलती है, वहाँ तो कहावत है अगर बाड़ी खेत को खाने लगी तो इस खेत का क्या होगा। वो हालत यहाँ की जनता के साथ हो रही, माता बहने अगर कहीं अगर पुलिस लाइन जाती है तो कोई जरूरी नहीं कि वो महफूज होगी। एबीवीपी कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन करते हुए लगभग 1 महीना होने को आया है, जहां पहले यह धरना शांतिपूर्ण था, लेकिन अब प्रशासन ने बात नहीं मानी तो आवाज को बुलंद कर बात पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन हक के बदले सरकार की ओर से लाठी और डंडे खाने को मिले। साथ ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। इसी के चलते एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने शहीद स्मारक पर धरना देकर पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। साथ ही सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार छात्र हितों के लिए कोई कार्य नहीं कर रही है। बस्सी क्षेत्र के दूधली मोड़ के पास एक ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसके बाद ट्रक चालक मौके से फरार है। सूचना के बाद पहुंची बस्सी पुलिस प्रशासन ने घायल को अपनी गाड़ी से बस्सी CHC अस्पताल भर्ती करवाया और घर वालों को सूचना दी। पुलिस ने ट्रक को अपनी कस्टडी में ले लिया है और जांच जारी है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए द पीपल वॉइस।